फिल्म को लेके? उस फिल्म के बारे में सबसे पहले ये कहूँगा कि उस फिल्म के निर्देशक जो हैं प्रमोद शास्त्री जी हैं, और प्रमोद शास्त्री जी के साथ मेरी प्यार तो होना ही था, तीसरी फिल्म थी, और उन्होंने मुझे हर फिल्म में एक अलग किरदार दिया है, और ये किरदार पर उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे दिया काली। काली किरदार का नाम था और उसके निर्माता थे अमित हिंडोचा जी। तो मेरा ये मानना होता है कि हम जो भी जो अगर आपके ऊपर निर्माता और निर्देशक विश्वास करते हैं, उस विश्वास पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, उस किरदार के लिए मैंने खुद तैयारी करी, और इवन मैंने ड्रेस खुद जाके अपने से लिए, क्योंकि उस करेक्टर का सूट कर तो जो सूट करे मैंने वो सोचा था, और जाके मैंने लखनऊ के बाज़ार से सबसे जो सबसे ख़राब टाइप का कपड़ा हो उस करेक्टर के हिसाब से मैंने लिया था, क्योंकि वो जेल में बंद रहता है 14 सालों से, तो उस हिसाब से। और मैंने पूरी कोशिश करी थी कि अपने किरदार पे पूरी मेहनत करूँदारी से करूँ, और लोगों को मेरा काम पसंद आया और वो आया। मैं बनारस गया था आनंद मंदिर में देखे, तो वहाँ मैंने प्यार देखा। यहाँ भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। आज यहाँ जो शूटिंग हो रही है, कौन सी फिल्म है और आपका उसमें किरदार क्या है? इस फिल्म का नाम है प्रेम लगन, और इसके निर्देशक हैं अशोक अत्री जी। अशोक अत्री जी के साथ मेरी ये चौथी फिल्म है। मैंने इनके साथ पहले प्रतिबंध की थी, उसके बाद लड़ाई की थी, और अभी अनोखा बंधन हो रही है। तो अशोक अत्री जी के भी बारे में इतना कहूँगा कि वो भी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं कि देव है तो उससे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ, जो निर्देशक मेरे पर भरोसा करे, जो निर्माता मुझे भरोसा करे, उस पर खरा उतरूँ, कम से कम काम बड़ी ईमानदारी से करूँ। और प्रेम लगन में काम करके बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छी टीम है, पूरी स्टोरी बहुत प्यारी है। इसमें रोहित राज हीरो हैं, पूनम दुबे जी हीरोइन हैं, राज प्रेमी जी हैं, मटरू जी हैं, और दीपक सिन्हा जी हैं, नीलम जी हैं, प्रिया शर्मा जी काफ़ी दिन के बाद कमबैक किया है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी टीम है। कौन सा सीन चल रहा होगा यहाँ आज, जो हो रही है, किस तरह का सीन चल रही है? सीन्स के बारे में तो अभी पूरा नहीं बता पाऊँगा, बस इतना है कि मैं इस फिल्म में जुआरी होता हूँ, और अभी हम शरीफ हो गए हैं, तो वहाँ राज जी अपने बच्चे के साथ और मटरू के साथ हमारे घर पर आते हैं, और उनको पता चलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो ये सीन चल रहा है अभी। आप बहुत अपने रोल को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट करें, गुंजन पांडेयता में जो है एक अलग रोल था, प्यार तो होना में अलग रोल है, यहाँ कुछ अलग रोल है, अपने रोल को लेके काफ़ी कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये रोल कुछ उस बारे में बताइए कि? देखिए, एक्सपेरिमेंट करना एक एक्टर के लिए तो सबसे अच्छी बात है, और जिस हिसाब से भोजपुरी फिल्में बनती हैं, जिस हिसाब से भोजपुरी फिल्में कर रहे हैं हम लोग, समय नहीं मिलता एक दूसरे किरदार को समय देने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि हम जो भी रोल करें उसको 100% दें, उसके लिए काम करें। चंदन प्रणय गुंजा की आपने बात करी, कल टी वी पर आई ये फिल्म, काफ़ी लोगों ने बहुत मैसेजेस किए हैं और बहुत मुझे बधाइयाँ दी हैं कि आप हीरो लग रहे हैं फिल्म में, हीरो की तरह लग रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं उस किरदार को लेकर कितना सीरियस होता हूं, कि जब उस फिल्म में मेरा गाना था और उस गाने को शूट करने गया था, तब मुझे पता था कि मुझे लोग मेरे कपड़े को लेके, मेरे लिपस्टिक को लेके काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन मैं ये था कि मुझे ये गाना अपने तरीके से कर देना है, जो कोरियोग्राफर बताएं, और कोशिश ये रहेगी कि मैं गाने को बहुत अच्छे से निभा पाऊँ, और मैंने किया। चंदन प्रणय गुंजा में मैंने यशी के बड़े भाई का रोल किया है, राज प्रेमी जी हमारे पापा बने थे, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उसमें बाप बेटे की, भाई की। तो मेरा मानना है कि आप जो भी फिल्म करें उसमें कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, तो एक्सपेरिमेंट इसलिए ज़रूरी है। आप अगर मेरी फिल्म देखें कसम पैदा करने वाली पार्ट टू, जिसके लिए मुझे अभी अवार्ड मिला है, तो वो फिल्म मेरी उम्र से 20 साल ज़्यादा की उम्र का किरदार था, पर मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं जिस भी किरदार को निभाऊँ वो लोगों को पसंद आए। ये नहीं कहे कि नहीं यार इसमें देव दिखे, तो ये मेरा मानना रहता है, और इसलिए मैं मेहनत करता हूँ कि मेरा हर किरदार थोड़ा अलग हो, डिफरेंट हो। आप प्यार तो होना ही था देख लीजिए, कसम पैदा करने वाली पार्ट टू, तो सब ऐसी फिल्म है। दर्शक ये जानना चाहें कि आपकी आने वाली प्रोजेक्ट कौन सी फिल्में हुए आपको देखेंगे? देखिए, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, और करीबन भोजपुरी में 20-22 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। अभी चंदन प्रणय गुंजा रिलीज हो गई है, इसके बाद पारो है, पारो रिलीज होगी, उसमें भी मैं पॉजिटिव रोल में हूँ। उसके बाद तुमसे अच्छा कौन है, बहुत कमाल की फिल्म बनी है, उसके निर्देशक राकेश सिन्हा जी हैं, बहुत प्यारी फिल्म बनी है। आन मान शान एक फिल्म आ रही है, प्रमोद शास्त्री जी की फिल्म है, उसमें मैं पॉजिटिव रोल में हूँ, वो भी उसमें भी मेरे ऊपर गाना है, वो फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है। इसके अलावा फिल्में बहुत हैं, नाम बदनाम है, और
प्यार का देवता एक बहुत प्यारी फिल्म बनी है, वो भी रिलीज़ पे है। इसके अलावा कल्लू की दुल्हनिया है, फिर मलंग एक फिल्म है, वो है मजनुआ फिल्म है, अभी एक अभी जुगनू हमारी सबसे अभी मोस्ट अवेटेड फिल्म एक जुगनू है, जुगनू रिलीज़ होने वाली है और उसका फर्स्ट लुक लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद बाबुल एक फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, तो फिल्में हैं और साथ में एक हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ, तो उसकी भी शूटिंग चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने सभी भोजपुरी दर्शकों को अपना प्यार भरा नमस्कार बोलती हूँ। और अभी हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं प्रेम लगन फिल्म का, जिसके डायरेक्टर हैं अशोक अत्री जी और प्रोड्यूसर हैं बी एन यादव जी, और मेरे को एक्टर हैं रोहित राज जी, और उसमें बहुत सारे स्टार कास्ट हैं जिनमें राजप्रेमी जी हैं, नीलम पांडे जी हैं, दीपक सिन्हा जी हैं, देव सिंह जी हैं, प्रिया शर्मा जी हैं, रोहित सिंह मटरू जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका रोल किस प्रकार का है इसमें? मेरा जो रोल है वो एक आइडल बेटी का रोल है, कि लाइफ में वो कुछ भी डिसीजन लेना चाहती है तो अपने पापा से सलाह मशवरा करती है, अगर पापा एग्री होंगे तो ही वो आगे स्टेप लेती है। आपकी फिल्म का ट्रेलर आया है पर जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है, और हम कोशिश करते हैं कि लीक से हटके एक अच्छी सिनेमा आपको देते रहें, तो उसके लिए आप लोगों को भी प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना पड़ेगा। प्रेम लगन की जो शूटिंग आज अभी जो चल रही है जी, किस चीज़ पे फिल्माया जा रहा है? जी, अभी हमारा एक फैमिली सॉन्ग शूट होने वाला है, इसके पहले उसके पहले का सीन ले रहे हैं, और फैमिली सॉन्ग में बहुत प्यारा है जिसको झिझिया कहते हैं, तो झिझिया धुन पे है। और आपके ऊपर कितने गाने फिल्माए जाने वाले? ओवरऑल गाने मेरे ऊपर है। होली होली क्या विशेष देना चाहेंगे दर्शकों से? यही कहना चाहूँगी, होली अच्छे से अपने परिवार के साथ खेलिए, पानी ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, और कोरोना अभी गया नहीं है तो वो चीज़ों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सारी चीज़ें पालन कीजिएगा, और स्किन की भी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। इन्जॉय, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारे जितने दर्शक हैं उनको चरण स्पर्श प्रणाम। और आज ये फिल्म चल रही है प्रेम लगन, जिसके हीरो हैं हमारे मेरे शहर के पटना शहर के रोहित राज जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में उन्होंने किया हुआ है, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनके साथ काम कर रहा हूँ। और इस फिल्म में हमारे गार्जियन टू दीपक सिन्हा जी, राजप्रेमी जी, हमारे सबसे अच्छे दोस्त देव सिंह जी, हीरोइन है पूनम दुबे जी, प्रिया शर्मा जी, मतलब एक सारे सितारों का समावेश है इस फिल्म में जिसका नाम है प्रेम लगन। उसी के शूटिंग पे आप आए हैं, आज हम लोग मिल रहे हैं। सर, आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? सर, आने वाली 10-12 फिल्में हैं, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो हर फिल्म इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे अच्छी जो फिल्म है मेरे हिसाब से वो जुगनू है, शिकारी है, दूल्हा 2 है, तो ये सब फिल्म मेरी आने वाली है। सर, किस टाइप का रोल है सर ये मूवी में आपका? अच्छा, एक बात बताइए रुवा लोग, ये कपड़ा लत्ता देख के लुक देख के वालों को समझ में नहीं क्या हुआ, हमेशा कॉमेडी कर ही लाइव में कॉमेडी करा था नहीं। हाँ, अलग देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हर फिल्म में कॉमेडी तो करता ही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा अलग अलग हिसाब से गेटअप लेके, या तो इसमें निर्देशक महोदय का ये सोच है, हमारे जो मेरा जो सारे सीन्स हैं वो राजप्रेमी जी के साथ है जो कर्नल है, और मैं उनके साथ एक जासूस टाइप का एक कैरेक्टर है जो उनके साथ ही रहता है और सबको शक की निगाह से देखता है, मतलब जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ शक करता रहता हूँ, तो इस फिल्म में भी सब पे शक करता हूँ और एक जासूसी टाइप का, और ये भी अरे बाप रे ये सब पहना दिया गया है जी। होली की शुभकामना मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हम आप लोगों के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। रंग खेलिए, अबीर खेलिए, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो बस खुश रहिए और रंगों के साथ अपना त्यौहार मनाइए, और ऐसे ही आप अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देते रहिए। जय हो, जय हो प्रभु। इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री राम। मेरा नाम राजप्रेमी है और कलाकार हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई भाषा की फिल्म नहीं होती है, हर फिल्म में हमें परफॉर्मेंस करना पड़ता है,
फिर चाहे वो आपके सभी दर्शकों को बता दूं, मैंने 10 भाषाओं में काम किया है, तो मेरे लिए भोजपुरी भी एक भाषा है। और मैं मेरी तरफ से नॉर्मली क्या होता है, जो भोजपुरी एक्टर होते हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल सी और कॉमन सी चीज़ होती है, बहुत एफर्टलेस एक्टिंग करते हैं। मुझे बाकी लोग अगर 100% मेहनत करते हैं तो मुझे 200% मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ये भोजपुरी के जो डायलॉग्स हैं वो मैं एक दिन, दो दिन, चार दिन पहले ले लेता हूँ स्क्रिप्ट, ताकि मैं याद करूँ और फिर उसे परफॉर्म करूँ। और मेरे वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी भी प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का वक्त ज़ाया ना हो, और सेट पर जितने कम टाइम में, मतलब उनको ऐसे पता भी ना लगे कि मैं भोजपुरी एक्टर नहीं हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है। सर, किस टाइप का रोल कर रहा हूँ? मैं पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, और इसमें जैसा आप देख रहे हैं मेरा गेटअप, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, कर्नल हूँ, और ये मैं अपनी बेटी की शादी एक घर में, मेरी बेटी हीरो को पसंद करती है। एक मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही सोशल मैसेज है मेरी तरफ से, कि हम अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं और ऐसे सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी हमने निभा ली, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फिल्म में मैं वो एक मैसेज मेरे कैरेक्टर के हिसाब से मैं दे रहा हूँ कि बेटी की शादी से पहले मैं हीरो के घर आया हूँ, उसके घर वालों से मिल रहा हूँ, एक महीने का मैंने उनको वक्त दिया है कि एक महीना आपके घर रहूँगा, आपके सब लोगों को देखूँगा, आपके व्यवहार देखूँगा, आपका घर देखूँगा, क्योंकि हम अपने जिगर के टुकड़े को आपके पास दे रहे हैं, हम अपनी बेटी आपको दे रहे हैं। तो बेटी के लिए मैं आया हूँ ये घर में, और सारा सब कुछ देख रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि मेरी बेटी इस घर में आने लायक है या नहीं। तो ये ही सीन चल रहा है यहाँ पर, और मैं आप लोगों के माध्यम से हर माता पिता को ये कहूँगा कि बेटी देने के बाद ये मत सोचिए कि आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, और बेटियाँ जब भी जिस घर में दें उससे पहले पूरा छानबीन कर ले, देख ले, क्योंकि आपने अपनी बेटी को 25 साल पाला है और फिर वो किसी दूसरे के घर में जा रही है। हाँ जी, होली की क्या? होली की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। देखिए, मैं हर त्यौहार हैप्पी होना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश में और जो दुनिया में चल रहा है कोरोना, तो मैं एक्चुअली हैप्पी होली तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हाँ होली मनाइए, सावधानी से मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाइए। अब होली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि रंग आपको गालों पे लगाना है, चेहरे पे लगाना है, लेकिन इस बार होली सिर्फ तिलक लगा के कीजिए, दूर से तिलक, करोना होली है। तो बस होली की शुभकामनाएं आप सबको, धन्यवाद, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को मैं दीपक सिन्हा का प्रणाम। अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ उसका नाम है प्रेम नगर। इसमें मेरा किरदार है, जो हीरो है फिल्म के, रोहित राज जी, उनके पिताजी का रोल कर रहा हूँ मैं। और हमारे अपोजिट जो हीरोइन के फादर हैं वो राज प्रेमी जी हैं, और दोनों किरदार दो तरह के हैं, जैसे भी मतलब कैरेक्टर के हिसाब से, तो एक बड़ा अच्छा फन है और करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसके निर्देशक हैं अशोक अत्री जी, और इसके बाकी कलाकार हैं नीलम पांडे जी, मटरू जी, देव सिंह जी, कमरुद्दीन जी, तो ये सब है। और ये बच्चे भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं इस फिल्म को और अच्छा बनाने के लिए। तो आई एम एंजॉइंग माय वर्क। मतलब दीपक जी, आपका शेड इसमें लगता है कॉमेडी टाइप का कुछ है क्या? कॉमेडी भी है और इमोशन भी, एक अलग टाइप का कॉमेडी है, बिकॉज पिक्चर की ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए, मैं बेसिक बताऊं, मैं एक शराबी बाप का रोल कर रहा हूं। अब इसमें आपको सारे वेरिएशन मिल जाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगे। निजी जिंदगी में तो आप पीते नहीं है, तो शराबी का कैरेक्टर करने में एंजॉय कर रहे हैं आप, मजा आ रहा? देखिए क्या है, कलाकार को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो निजी ज़िंदगी में नहीं होते हैं। जैसे विलन विलन का काम करता, घर में तो विलन नहीं होता है वो, वैसे ही अगर शराब नहीं पीते हैं
तो बाहर आपको सीन में दिखाना पड़ेगा। राज प्रेमी जी के साथ पहली बार कर रहे हैं? राज प्रेमी जी के साथ वाकई पहली बार कर रहा हूँ। हम दोनों बहुत पुराने मित्र हैं और जब भी हीरो थे मैं भी कुछ फिल्मों में था तब की दोस्ती है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद इस भोजपुरी फिल्म में हम दोनों को साथ काम करने का मौका मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगता, मतलब उनके साथ काम करके क्या लगा कि आदान प्रदान दोनों के साथ जो? नहीं, मुझे इनके साथ काम करके लगा कि मैं बहुत ही बेहतरीन कलाकार राज प्रेमी जी के साथ काम कर रहा हूँ और अपने अपने करेक्टर में दोनों बहुत अच्छे हैं। ये कर्नल हैं तो मैं बेवड़ा बोल सकते हैं, शराबी बोल सकते हैं करेक्टर, बट सिर्फ वेरी गुड फिल्म, बहुत फन है इस पिक्चर में, मनोरंजन है और एंटरटेनमेंट है। अच्छा वो तो ठीक है, जैसा कि अभी होली का माहौल चल रहा है, हाँ, तो जैसे आप रंगीन मिजाज के हैं और जैसा बोला जाता है इंडस्ट्री में, अगर कोई बुढ़ा बच्चा है तो दीपक सिन्हा जी है, तो इस होली में आप किसके साथ, मतलब कोरोना काल में किसी से सोशल डिस्टेंसिंग में मनाएंगे या फिर आप किसी को वही रंगीन मिजाजियों वाला होली मनाएंगे? देखिए सबसे पहले तो ये है, जहाँ बुढ़ा शब्द आया वहाँ बच्चा कंपल्सरी है, हर बुढ़ा एक बच्चा होता है, तो बुढ़े के साथ बच्चे का है कॉम्बिनेशन। और होली आ रही है, होली हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और होली बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन चूंकि इस बार ये कोरोना का जो संक्रमण फैला हुआ है जिससे हम सबको बचना है, तो उस आनंद को महसूस करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस का हम लोग पालन करेंगे। अच्छा, आपने एक नाम लिया था मटरू, हाँ, तो इस फिल्म में आपको तंग कर रहा है कि नहीं, उनके बारे में ऐसा है कि सब फिल्म में आर्टिस्टों को तंग करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं? नहीं नहीं, मटरू को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, नो डाउट ही इज वेरी नॉटी नॉटी एक्टर, बहुत इंटेलिजेंट है, नॉटी है। आज आप खुलासा कीजिए। नहीं, खुलासा का ये है कि वो इतने मजाक मस्ती करते हैं कि पूरी शिफ्ट कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता, हंसी मजाक की वो, और एक फुल्ली इंटरटेनमेंट वो अपने आप में है और फिल्म में आप लोगों के लिए भी है, तो बेसिक कहा जाए तो इट्स अ नाइस थिंग कि आदमी को थोड़ा सा नॉटी होना चाहिए। तो वो है मटरू। होली में आप क्या शुभकामनाएं देंगे दर्शक जो आप देख रहे हैं उनको, क्या शुभकामनाएं? सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग खूब मनोरंजन कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने घर में लॉन्ग डिस्टेंस का वो मेंटेन करते हुए, और सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे पहले सभी दर्शकों को रोहित राज यादव की तरफ से नमस्कार प्रणाम। ये मूवी है प्रेम लगन और बहुत प्यारा सा टाइटल है, और इसमें मेरा रोल एक ऐसा परिवार का है जो परिवार के सारे सदस्य निकम्मे रहते हैं, आवारा रहते हैं, अपने अपने काम में गलत काम में मस्त मौला रहते हैं, और इस मूवी में एक इस घर के परिवार में एक मेरा ही ऐसा किरदार है जो घर चलाता है, और लास्ट में ऐसा एक माहौल आता है जो घर को सुधार देता है। सर आप उसके अंदर लीड रोल अदा कर रहे हैं और उस लीड रोल में भी आप पूरी परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, कितना तो दबाव है आपके किरदार में? जो दबाव हो तो आपको देखने पर पता चलेगा दबाव में कैसे कैसे क्या परिवर्तन आता है, आपको मूवी देखने पर पता चलेगा। और कौन कौन से कलाकार हैं? अभी राज प्रेमी जी हैं, मेरे गार्जियन तुल हैं, पहले भी साथ काम कर चुके हैं ये इस बेदर्दी में, और इनका व्यवहार और नेचर देखकर मैं बहुत खुशी हुई और इनसे बहुत प्रभावित हूँ, और जिसके कारण फिर सेकंड में काम कर रहा हूँ प्रेम लगन में। मटरू जी हैं जो मेरे ही शहर पटना के रहने वाले हैं, दीपक सिन्हा जी हैं, पूनम दुबे जी हैं, और नीलम पांडे जी हैं, और भाभी के किरदार में है प्रिया शर्मा जी। फिल्म में सॉन्ग हैं, अगर हैं तो किस तरह के सॉन्ग होंगे? क्या बोले? नहीं सॉन्ग, इस फिल्म में कुछ गाने हैं, अगर गाने हैं तो किस तरह के गाने होंगे? जो भोजपुरी के जो हम लोग के यहाँ जो गाना चलता है पूर्वी हो गया, और भोजपुरी से जितने भी टच गाना है वही रखा गया है, कुछ ये मूवी में जितने भी गाने जो है सो अब देखिएगा तो ऐसा लगे कि भोजपुरी के जितने भी ऐतिहासिक गाने हैं वो सब टच किया जा गया है। एक बिंदास टाइप का लड़का है जो अपने घर परिवार के साथ साथ प्यार मोहब्बत करता है,
और शर्त के अनुसार घर में परिवर्तन करना चाहता है, यही सब दिखाया गया। सर आज इसमें काफ़ी सीनियर एक्टर हैं और बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, सराज जी हैं, मंडूर जी हैं, कितना कुछ सहयोग मिलता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है? बहुत सहयोग मिलता है और मुझे तो लगता है कि इन लोग के जैसा आर्टिस्ट अगर साथ में हो तो एक्टिंग करने में कुछ दिक्कत ही नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है इन लोग के साथ काम करने में। कहीं कुछ होता है इसे कहीं सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। आपकी आने वाली फिल्म प्रमोशन? अभी मेरी मूवी आ रही है प्यार होता है दीवाना सनम, ये सिर्फ उसका गाना ही बाकी है, और स्वर्ग से सुंदर। किस तरह के रोल पसंद करते हैं करने सबसे ज़्यादा? मैं एक्टर हूँ, हर तरह के रोल करना पसंद करता हूँ। अभी जो मूवी आई थी प्यार होता है दीवाना सनम दो आ रही है, उसमें फाइट ज़्यादा है, रोमांस भी है, स्वर्ग से सुंदर है, उसमें पारिवारिक मूवी है जो इमोशनल उसमें ज़्यादा है, और ये ऐसे ये भी पारिवारिक मूवी है। इस बार घर परिवार से दूर है, होली कैसे मनाएंगे? एक आर्टिस्ट के लिए होली दिवाली मायने नहीं रखता है, जहाँ सेट पे रहते हैं घर परिवार के साथ में, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं टेक्नीशियन होते हैं घर परिवार की तरह होते हैं, और उन्हीं के साथ मनाना भी पसंद किया जाता है। तो मतलब इस बार सेट पे ही होली मनाएंगे या? हाँ, हम लोग यहीं पे होली मनाएंगे, सब एक परिवार की तरह हैं, साथ में रह रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और यहीं पे होली मनाया जाएगा। और सभी दर्शकों से यही कहेंगे जहाँ भी रहें आनंद होकर होली मनाएं, जितने भी किसी से गीले शिकवे हो सब भूल जाएं, और दिल में सिर्फ खुशी खुशी रखें। पहले तो नमस्कार, मैं नीलम पांडे बोल रही हूँ, और इसमें एक माँ की भूमिका अदा कर रही हूँ जो कि हीरो की मदर है। हमारे तीन बेटे होते हैं, देव सिंह हैं, रोहित जी हैं और कमरुल खान हैं, जिसमें रोहित राज जी लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, और हमारे पति देव हैं दीपक जी। और इसमें सबसे बहुत अच्छा लगा कि राज प्रेमी जी हैं, इनके साथ मैं पहले भी एक फिल्म कर चुकी हूँ जिसमें वो हमारे हस्बैंड थे, बट इसमें हमारे समधी का रोल कर रहे हैं। ओवरऑल मज़ा आ रहा है काम करके। होली क्या विशेष देना चाहेंगे? बस अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि कोरोना के चलते सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप लोग होली खेलें, मज़े करें, इंजॉय करें, बट हाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। असल ये फिल्म एक पूर्ण पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि मैं शुरू से अश्लीलता के खिलाफ, मेरी आज तक जो भी फिल्म मैंने बनाई है मैंने हमेशा स्त्रियों को ठग के ही काम किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि भोजपुरी समाज में संस्कार का बड़ा महत्व है। प्रेम लगन भी एक ऐसा ही सिनेमा है जो बेसिकली परिवार के ऊपर ही मैंने केंद्रित किया है, इमोशंस, उसके जो फीलिंग्स हैं, इन चीज़ों को उभारने की कोशिश की है। बड़ा खुशी मुझे इस बात का है कि पहली बार मैं राज प्रेमी जी के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ उनके डेडिकेशन के लिए, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई आते ही प्रिपरेशन, अपना काम पर ध्यान देते हैं, डायलॉग्स वगैरह एवरीथिंग, तो एक डेडिकेशन होता है वो। मुझे हैरानी है कि भोजपुरी में ये चीज़ मुझे बहुत कम मिलती है। हाँ, मैं तो जितने भी सिनेमा मैंने किया है ऐसा डेडिकेशन नहीं मिला, और ये मिला होता तो शायद मैं राज जी को सैल्यूट भी नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनको सैल्यूट करूँ। इनकी तरफ से कभी कोई समस्या मेरे पास आई नहीं, बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। इस फिल्म में भोजपुरी की माटी की सुगंध मिलेगी दर्शकों को? मेरा पूरा वादा है आपसे कि ये सिनेमा आपको एक फैमिली के इमोशंस के साथ आएगा, भोजपुरी मिट्टी की पूरी खुशबू मिलेगी आपको। गाने किस प्रकार के होंगे? आप तो बता रहे हैं कि थोड़ा सा पारिवारिक फिल्म है, आइटम सॉन्ग्स होंगे इसमें? जी नहीं, अब मैंने पिछली फिल्म बनाई है वहाँ से लेके अब आगे जो भी फिल्म बनाऊंगा आइटम सॉन्ग तो नहीं रहेगा। शूटिंग कहाँ कहाँ होगी? इसकी शूटिंग पूरी तरह से बॉम्बे में होगी, मड से हमने शुरू किया है। कलाकारों को किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? जैसे आपने एक नाम तो बताया, और कलाकार भी हैं इसमें? कलाकार सभी मैच्योर्ड, सभी प्रोफेशनल्स हैं, और सभी का अच्छा सहयोग है, कोई असहयोग नहीं है। कुछ चीज़ों में राज जी ऊपर निकल गया इसलिए मैं उनका विशेष तारीफ किया, वरना सभी अच्छे हैं। मटरू जी भी हैं इसमें, कॉमेडी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राज जी इस वक्त बहुत चर्चे में हैं, काफ़ी अच्छे रोल निभा रहे हैं।
राज जी का तो इसमें जो कैरेक्टर था कर्नल का, उसको उन्होंने ऐसा संजीदगी से जिया है, मैं बहुत मतलब शब्द नहीं मेरे पास। देव जी भी काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं, लगातार अच्छी से अच्छी फिल्म दे रहे हैं। देव इज़ वन ऑफ द एक्टर, एक ऐसे एक्टर हैं जो बद के काम नहीं करते, और जिस करेक्टर को वो जीते हैं वो करेक्टर उनका उनका स्क्रीन पे दिखता है। ये भोजपुरी में एक 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 अजूबे अजूबा। होली की शुभकामनाएं क्या देंगे? मैं सभी दर्शकों को होली पे लाख लाख बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। भाई साहब, होली पर रंग मत चलाइए, प्यार बांटिए, बस कोरोना से बच के रहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.